ओ सच में मार दिया उसने तो बाला भाई ने। थप्पड़ किसने मारा इसको? पायल सारे मना कर रहे, किसने नहीं मारा थप्पड़? देखियो बाहर बुला सबको, किसने मारा इसको? मन तो कर रहे एक थप्पड़ मारो सुला दूं कि पोटी टट्टी सबको साफ करो। हैं चलो मैं एक्टिंग कर रही हूं, सॉरी कैमरा वहां पे है। तेरी मां तो चली जाती है खुद मार्केट में। सुनो और भाई दे भाई बस ये हटा के रिकॉर्ड कर लो। क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं हुआ दीदी। दीदी जोर से क्यों रो रहा था? वो गिर गया था अंकल किसी। तुम्हारे रहते रहते किसी गिर गया? इतनी देर से घंटी बजा रही सुनाई नहीं देता? किस लिए है पब? क्यों रो रहा है जोर से? हाँ जी, ये क्या हुआ इसके गाल पे? मामा छोड़ के नहीं जाएगी अब आपको बाहर। एक्टर सी एक्टर मेकअप हुआ है इसको, देखो मेकअप हो रहा है। दूसरी बार पूछना है बस टाइम नहीं, बाद में भर ली हुई जरा एक बार ही बोले थोड़ा सा नुकसान हो गया हमारा 18 लाख रुपए का। तो इस घर में आई है पुलिस और नौकरानी लेके आई है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और गले की बैंड बजी पड़ी आपको पता लग रहा होगा, तो व्लॉग भी जो है मैं बहुत कम बना रही हूँ। अभी सारा बर्डन गोलू पे आ रखा है, पर मैंने सोचा कि चलो बिहाइंड द सीन का वेलकम मैं कर देती हूँ हमारे जैद मलिक के साथ। तो भैया अभी ये एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य घटना पे आधारित है। तो चीकू के हाथ पे फिंगरप्रिंट बनाए जा रहे हैं। बस इधर है बच्चा, लेके चीकू का हाथ में क्यों बना रहे जी? हट जाएंगे नहीं है और क्या, हट जाएगा। सिंदूर है, दिखाना पड़ेगा ना, हट जाएगा। तो लेके आएगा कोई नायाब सा बच्चा लेके। चलो तो ये है नायाब बच्चा, आजा भाई। नायाब तो सारे ही हमारे यार, हाथ लगा दे, टच करना है बस। ओ सच में मार दिया उसने तो। ऐसे कौन करता है? दिखाइयो। हां लगी है नहीं लगी? डर गया मैं तो। एक बार नहीं वो पावरफुल थोड़ा सा है, दिख नहीं रहा थोड़ा, मैंने कम लगाया। फिर से वो बाला भाई ने बाला बच्चे को देख रहे हो यूज कर रहे दो ये थप्पड़ का दिखाना था यार, चीकू इतना थोड़ी होता कोई। गुलाल से लगा दिया इसके। मारे जा रही है तो कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब मारेगा थोड़ी। ओल्ड बच्चा इसलिए। लग गई उसके पता है, तो रो थोड़ी रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी मारेगा भाई है। अगर सच में ऐसे किसी ने मारा हो तो है ओहो, उसे मैं तो फाड़ दूंगी पूरा। चंडी बन जाती है माँ बच्चे पे हाथ लगाता है तो। यार देखो बच्चों को मारते हैं, सारे माँ बाप मारते हैं, हमने भी मार खाई है, पर एक तरीको आता है। नहीं मार का थोड़ी कोई मार देगा, और ऐसे वो भी नहीं, तो पापा है मम्मा है भाई है कोई नहीं मार सकता। देखा मार के बाद पानी भी पिलाया पापा ने। तो आज वीडियो में थोड़ी ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, बिल्कुल भी हवाबाजी नहीं होगी, काम होगा बहुत ही तरीके से अच्छे से, ठीक है? आप देखो मेकअप मैं कही अंदर मैंने कहा आंटी मुस्कान मन्नू तूने मारा थप्पड़? कहती थी हमने नहीं मारा, हम सच कह रहे हैं। मुझे पता चला किसी ने थप्पड़ मारा, आज वो पता लगा के रहूंगी। सब डरी हुई निशान दिखा के मैं बोल रही हूँ, पता ही नहीं बता ही नहीं रहा थप्पड़ किसने मारा इसको। निशान थप्पड़ किसने लग गया दिखाना? देखो भाई निशान हो रहा है, इससे पूछ के बताऊं। पायल सारे मना कर रहे हैं, किसी ने नहीं मारा थप्पड़? देखियो थप्पड़ मारा हुआ इसको। बाहर बुला सबको, किसने मारा इसको? मन्नू कह रही मैंने नहीं मारा। मुस्कान देखियो क्यों मारा बेटा, नाम बता, तो बता ही नहीं पाएगा। मुस्कान दीदी ने ऐसे चलो अभी रुक जाओ, बोलो कपड़े चेंज कर गया नौकरानी है। ठीक है जी पकड़ बच्चों। ऐसी नौकरानी कोट शर्ट तो पहनती है मैम। अरे तू जो कैरम करना है। मैं मालकिन बहुत अच्छी, इसलिए भी सेम लाई। नहीं नहीं मालकिन तो अच्छी है, मैं पहन लेती हूँ आप जैसा बोलो, मैं 2 मिनट में आई। आज थोड़ा कट्टू कट होगी, पहले पायल के पास रिएक्शन ले रहे थे। पायल घंटी बजा रही है, कोई खोल नहीं रहा, ठीक है? और तुझे आवाज आ रही है बच्चे की, बच्चे रो रहा है, ठीक है ना? चलो ले गया भाई, टेक ले गया, लिफ्ट से निकलने का ले लेंगे तेरा। क्या बात है? नहीं नहीं लिफ्ट की जरूरत नहीं है ना, आने की जरूरत है लिफ्ट की। अरे अच्छा भाभी ऑल द बेस्ट।
पता नहीं यार मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी, बस मुझे ऐसा था बट मैं फटाफट घर जाऊँ। मिल तो मैं नेक्स्ट टाइम माँ की इंट्यूशन हो जाती है ना। कैमरा चलाने में बहुत मजा आता है, ऐसा नहीं है हमारे पास कैमरा मैन है। मुझे अपने हाथ से डायरेक्शन करने में थोड़ा अच्छा लगता है, शुरू से करता हूँ। पता नहीं बैठे बैठे अजीब सी घबराहट हो रही थी, घबराहट तो बहुत ज्यादा। दोबारा थोड़ा सा सोच लेना क्या, जैसे माँ की इंट्यूशन आती है नेक्स्ट टाइम पक्का बैठते हैं। अभी मुझे इसलिए नहीं लगा था, पता नहीं अंदर से क्या इंट्यूशन आएगी, कुछ गलत हो रहा है बस। अरे यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और देर तक बैठ जाऊंगी। बाहर कदम रख के डायलॉग शुरू कर, वहां से जैसे एंटर करेंगे ना ऐसे लगेगा कि लिफ्ट से बाहर आ गए। अरे यार कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से बैठूंगी। आज मैं पता नहीं क्यों अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी, पता नहीं अचानक से हुआ है कुछ। हाँ बस मैं घर पहुंच गई हूं, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी तुझे। यार अंदर से कुछ ऐसी इंट्यूशन हो रही थी, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। कॉलिंग एक्शन। पता नहीं अजीब सी इंट्यूशन हो रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार मिलते हैं, घर पहुँच गए, करती हूँ बात। घंटी खर्चा बढ़ गया आज फिर भाभी, मेरा तो पक्का है, मैं जरूर खाने का दिल होना। तो क्या ये कमल लग रही है, कमल तो मैं लग रही हूँ। स्मार्ट कमल है शिमला से। नहीं बाबू मैंने बिंदी लगाई है और इस कमल से मेरे बच्चे की शक्ल मिल रही है। अब एक्ट करने दोगे मुझे, बकवास कर रहे हो। डायरेक्शन कर रहे हो, एक्ट तो ये करेंगे। सारे दिन हाथ में कैमरा रहता है मेरा, रोल इतना से लेता हूँ मैं कि हाँ भाई मैं था वीडियो में। यहाँ तक भागने तक कटेगा ठीक है। अरे रोलिंग करें। अरे वाह बोलियो। हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 ठीक है आ गए। ओके डन। हाँ जी शुरुआत करनी है, ये शैतानी कर रहा है। अभी तक मैडम बाहर नहीं है ठीक है, और तुझे इसको एक थप्पड़ मारना है और फिर अचानक से बाहर की घंटी बज रही है। हाँ। और तुझे इसको चुप कराना है। हाँ। और चुप करा करा के मतलब एकदम भागना भी, गेट भी खोलना है कि मैडम को पता ना लगे कि मैंने थप्पड़ मारा है। निशान होगा ऐसे दिखे हो रही है, और इसको तो निशान हो गया, अब क्या होगा ये वो मेरे ऊपर बात आएगी। चलो मैडम को तो कुछ बहाना लगा दूंगी, गिर गया था ये वो। चलो चलो कोई बात नहीं है ना। कहीं ना देखो होता है, कई जगह ना मेड होते काम करने वाली मालकिन के सामने अच्छी बनते, पीछे से बच्चों को थप्पड़ ऊपर मार देते हैं, पता है होता है बहुत सारे केस ऐसे। रोलिंग एक्शन। क्या यार एक घंटा हो गया इसको सुलाते सुलाते, सो जा बेटा, सो ही नहीं रहा तू तो। मन तो कर रहा है एक थप्पड़ मारो सुला दूं। क्या था भाभी रूडली नहीं कर पा रहे ना आप? थप्पड़ तो साउंड लगेगा, मारना थोड़ी है थप्पड़ तो। अगर तू इसके ऊपर से निकाल देगी जैसे ये गाल यहाँ से, ऐसे भी कर देगी, ऐसे करना है इसको, मारना थोड़ी है ऐसे। साउंड लगेगा फास्ट में हो जाएगा वो, ऐसे ही सुन। सैलरी क्या देते हैं पता नहीं, एहसान कर दिया इनकी पोटी टट्टी सब कुछ साफ करो। है तो प्लीज दिल के नाने होता है ऐसे, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। चलो खाना में खराब कर दिया। सैलरी क्या देते हैं, नौकर बना के रख दिया। सुसु साफ करो, पॉटी साफ करो, डायपर चेंज करो हर 2 घंटे में। अब फिर डायपर भर गया इसका, परेशान कर दिया इस लड़के ने। तो सोता भी नहीं है तू, सोता क्यों नहीं है? तेरे माँ तो चली जाती है खुद मार्केट में और पीछे से तुझे छोड़ देती है। सो जा। ओह शिट, लगता तेज थप्पड़ मार दिया। दीदी भी आ गई क्या? और दीदी ने देख लिया निशान तो क्या बोलूंगी मैं। एक काम करूंगी, बोल दूंगी कि ना गलती से गिर गया। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 चाकू थोड़ी मार देता है। छोटे छोटे बच्चे एक्ट करते हैं फिल्म में, आपका तो कुछ ज्यादा ही फील करते। चलो यार ये करने वाली यार, मेरा टाइम खराब हो रहा है। चलो चलो ठीक है पापा। चलो क्यों और अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट। तानी लोग सैलरी देते हैं या नौकर समझते हैं, जब देखो ये बच्चा रोता रहता है, मन तो करे एक थप्पड़ लगाऊं। कभी सुसु साफ करो, कभी पॉटी साफ करो। चुप हो जा।
की माँ खुद को घूमने चली जाती है और बच्चा छोड़ देती है यहाँ पे। चुप चुप। अरे लगता है मैंने बहुत तेज थप्पड़ मार दिया। दीदिया लाल हो गया, रो भी रहे। देखो ये ना एक सच्ची घटना पे आधारित है वीडियो, और टाइम आने में बताऊंगा क्या आधारित है, ठीक है। अब बच्चों को थोड़ा हमारे सॉलिड भी होना चाहिए। बापू बोलते है ना दीदी तू यही बैठी है जी, बता रही क्या करना है। एक बार से लगा इसका। देखो डीडी की तरह भारी बैग लेकर आ रही है। मैं बाबू बोल रही थी, बाबू से है ना, है ना। क्या हुआ बच्चे को? कुछ नहीं हुआ दीदी। दीदी जोर से क्यों रो रहा था? वो गिर गया था कल किसी। तुम्हारे रहते रहते कैसे गिर गया? माइक है मेरा, माइक मेरा, माइक छोड़ ऐसे गिर रहा। मैं पुलिस को बुला लूंगी दीदी। माना नहीं है, माना नहीं भैया, ये तो डांट नहीं बजाय गुत रहे आप। अरे करे तुझे इधर आना, पल इधर रह, तू इधर रह। बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता है? ऐसे नहीं है बोलू, ये हाँ तेरा वो कैप्चर कर रहा है उधर से। इधर आ जा भाई थोड़ा सा। ओके इधर ये तू यहाँ आ जा भाई, कैमरा मैन इधर आ जा, इतना लंबा थोड़ा इधर आ। बोलू इधर से, ये तो यहाँ यहाँ से ले। क्या यार तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, यहाँ खड़ा हूँ ऐसे पाल करे। बोलू तेरा वो ले रहा है, थोड़ा सा बात करते होते आगे आ जाओ। बहरी होगी कि सुनाई नहीं देता तेरे से, बल्ला जा रही हूँ। बाबू क्यों रोना चाहती दूर से? गेट बंद कर। करे रोलिंग रोलिंग एक्शन। इतनी देर क्यों लगी? बहरी होगी है क्या दीदी? वो बाबू रो रहा था। क्यों रो रहा बाबू इतनी जोर से? नहीं नहीं मजा नहीं। देख ये गेट खुलेगा, यहाँ जाइए। बहरी हो गई है, इतनी देर से घंटी बजा रही, सुनाई नहीं देता। फिर तेरा डायलॉग है ना, मैडम वो बाबू रो रहा था, मैं उसको चुप करा दिया, सुनाई नहीं दिया मुझे। तू किस लिए है पब, क्यों रो रहा है इतनी जोर से? बस वो सोने के लिए रो रहा था। सोने के लिए कोई बच्चा रोता है आजकल? तो ठीक है यहाँ आना, तुझे यहाँ नहीं घुसना, गेट खोल रहा नहीं। ठीक है एक्शन। आ गई दीदी, खोल रही हूँ। बहरी हो गई है क्या, इतनी देर से घंटी बजा रही, सुनाई नहीं देता। दीदी वो बाबू रो रहा था। क्यों रो रहा है बाबू? सोने के लिए चिड़चिड़ कर रहा था। अब सो गया? हाँ सो गया। झूठ बोल रही है वो, तो अभी तक रो रहा है, लगता है दोबारा उठ गया होगा। मैं तुझे मैं बताती हूँ, रुक जा। ठीक था मेरा? ओके एक्शन। क्यों आया जरा? हां जी कैसे था? सही था, सही था, गोलू का थोड़ा हल्का था। चलो भाई चलो एक्शन एक्शन बेटी। सब आओ टॉयलेट टॉयलेट। सुनो नुनी नुनू पाए रोना नहीं तो अब नहीं डालते कोई। चल करें। हां जी रोलिंग एक्शन। अरे मेरा बच्चा खेली खेली कर रहा है, खेली कर। चंपा हां जी इधर। हां जी बोलो। ये क्या हुआ इसके गाल पे? क्या हुआ? ये लाल लाल निशान कैसे है? कहाँ पे दीदी? दिखाई नहीं दे रहा क्या? अंधी हो गई क्या? ये देख पूरा मुंह सूजा हुआ इसका। क्या हुआ ये? मुझे नहीं पता क्या हुआ। तू थी ना इसके साथ? हाँ दीदी मैं थी। क्या हुआ इसे? दीदी मुझे नहीं पता बाबू को क्या हुआ, सुबह वाली नैनी आती है बच्चों को संभालने, जब आप गए थे ना सुबह तब तो ये ठीक था, अब पता नहीं कैसे लाल हो गया। एक काम करो आप उनसे पूछो। एक काम कर, सबको बुला, सबको बुला जल्दी। मेरा बच्चा खेली खेली कर रहा है। अरे मेरा बेटा, ये क्या हुआ लाल लाल? ये क्या हुआ है? चंपा हाँ जी इधर आ जल्दी। क्यों हुआ मेरे बच्चे को? जी दीदी ये क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ पे दीदी? तुझे दिखाई नहीं दे रहा आंधी हो गई, ये क्या हो रखा है? पूरा मुंह लाल है उसका। दीदी मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसे पता है? दीदी सुबह वाली नैनी बच्चों को संभालती है, उससे पता होगा, जब ये आप मेरे पास छोड़ के गए थे ना इससे तब तो ये ठीक था। मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। सबको बुला यार, लाइन से लगा सबको। नहीं कुछ नहीं करा दीदी बाबू को। तू जल्दी सबको बुला। ठीक है मामा छोड़ के नहीं जाएगी अब आपको बाहर, अब नहीं छोड़ के जाएगी मामा बाहर। सबकी बात देखो भी कैसे था जी? गोलू कह रहे जब आप मेरे पास छोड़ के गए ना तब तो ये ठीक था। बोला तो ठीक था, तूने मारा। अपनी बातों में खुद ही फंस गया आज। पूरे एक्ट में हीरो यही है।
पूरा फोकस इसके ऊपर, इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी। वैसे एक बताऊं, सबसे अच्छा एक्ट किया इसने, एकदम परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट एकदम एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ। बता तो दे क्या एक्टर है, कोई पागल थोड़ी है, एक्टर सी एक्टर। मेकअप हुआ है इसको, देखो मेकअप हो रहा है। बच गया, बच गए। गिफ्ट दे दिया जी नीचे ब्लैक पजामे पे। आंटी पकड़ने इसको, सो रहा गया था। ये जानबूझ के ले गया था मेरे पास। कौन ले गया था? मैंने पकड़ाया था। एक्टर को पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूं? मतलब मेंस की हेड ढूंढ सकती, इन सबकी हेड ढूंढ ले। इनको बेटा बच्चों को सुन ले, लो लो लो। खाने की चीज नहीं है ये। चलो जी, ओके। मैं सर नूरी बोल दूंगी। नूरी माइक लगा, नूरी को कैमरा लगाया भाई। हां जी लगा दिया। अच्छा मैं नहीं हूं एक्टिंग दे फिर भाई, बच्चा देखो, इनको कोई बच्चा दो। ये लो भाभी, ये ले लो। ये तो पाल के पास रहेगा ना, मैं थोड़ी गोदी लेके इनसे सवाल जवाब कर सकते हुए मारने भी रहेंगे। अच्छा लाइन पकड़ो, वाइट हो रहा है। अच्छा तमीज से लाइन बेटा, जो पूछे से जवाब दे दो, ठीक है? मैंने वाइट ले रखा पूरा भाई। छोला पोला मत करो, चुप जा, खड़े हो, पूरा वाइट है। एक्शन देख नूरी, एक बार पूछूंगी और लास्ट बार पूछूंगी। तूने मारा बच्चे को? एक बार पूछूंगी, लास्ट बार एक ही बार पूछूंगी और लास्ट बार पूछूंगी, बार बार नहीं पूछूंगी। एक ही बार ही पूछूंगी, दूसरे बार पूछना मेरे पास टाइम नहीं है। सिंगम बन जा सिंगम। देख नूरी, एक बार पूछूंगी, बार बार पूछने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर सच है तो सच बोल दियो। तूने मारा बच्चे को? मैंने नहीं मारा। सच बोल रही है? हां सच बोल रही हूं। चल मैं सच का पता लगाता हूं, जा तू। तो आराम से कांड करके शादी तो यहां बहुत पुरानी है, अगर तुझे सच पता है तो जरूर बता दियो किसने मारा इसको। तू बताएगी अब सच सारा, ठीक है? ये गोलू भर लिया, गोलू वाले बाद में भर लियो, इधर आना। क्या भर लियो? दीदी मैं सैंडविच खाती हूं, डाइटिंग पे ना, फिर मेरे सुबह जिम जाना होता है। तेरे डाइट कराओ दीदी। एक बात बोलूं, ज्यादा मैं बोलूं अपने तबियत खराब। जरा जरा दोनों घड़ी दोनों के पास से नहीं। अब सारा सत्य तेरे मुंह से सुनूंगी मैं, तू ही बताएगी किसने मारा है मुन्ना को। बस उंगली के मुंह में घुसे नहीं क्या? ये छोटा से तो था, जैसे बोला था वही होता है। आप पत्नी कर रहे थे, मैं तो इसलिए कंटिन्यू कर रही हूं। हां ले, पहले के बीच में जैसे बोलूं, तू बताएगी। यहां पे एक वाइड रख, मैं वहां से आ रहा हूं, एक इस पे फोकस रख, इस पे क्लाइमेक्स के आपके सारे सारे पार्ट होते हैं क्या? हां करें भैया, हम ही है, थोड़ा रोल तो मुझे चाहिए वाला। चल करें, ओके जी, खत्म हो गया। कहीं आप ये आगे, ये अपने आप पूछ लेंगे। रोलिंग एक्शन। तू ही सारा सच बताएगी मुझे। चलो अभी ये आ गए, अब देखती हूँ कैसे झूठ बोलेगी तू। क्या हुआ भाई? अरे मुन्ना को इतनी जोर से मारा हुआ है। अब होएंगे कैमरे चेक। अच्छा अरे यहाँ तो कैमरे नहीं चल रहे। कोई बात नहीं, मैं फोन में निकाल देता हूँ। अरे हाँ ये खेल रही थी लास्ट में तो इसके साथ। ओ इसे छोड़ूंगी नहीं आज मैं, देखना आप। चल इसको मैं बताता हूँ। छोटे से बच्चे को मार रही तू, तेरे लिए मैंने इतना किया है जितना मैंने दो साल पुराने लोगों को नहीं किया, तेरा किया मैंने इतना। ये क्या किया है? तेरे को मैंने ब्लैंकेट दिया, तेरे को मैंने खाना दिया, डाइट भी दी, तेरे को मैंने जिम भी दिया, इसके बावजूद भी तेरे को मैंने कभी नौकरानी नहीं समझा, एक मालिक समझा। क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी? तुझे नहीं पता तू है कोई और है? ध्यान से देख, तू है कोई और है? मार मत पायल इसको, मार मत इसको, घर से बाहर निकाल। तेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती है? छोटे से बच्चे को मार रही तू? मैंने केक के नहीं किया, इसके लिए सब कुछ दिया जो मारना है इसने, मेरे चोरे की केल ऐसा क्यों कर लिया तुमने? ये क्या था? यार बकवास कर रही है। मेरे को हरियाणा आती थी, आपने बुला लिया ना हरियाणवी ना हिंदी। माइक मंगा लो, चार चाहिए माइक, थोड़ी भीड़ ज्यादा होगी स्टेक में। ओके जी डायरेक्टर साहब, इस वीडियो को बहुत टाइम लग गया, थोड़े दिन बीच में गैप हो गया था, थोड़ा सा नुकसान हो गया हमारा 18 लाख रुपए का। हमने अभी गाना शूट करा था, उसका डाटा सारा डिलीट होगा, रिकवरी भी नहीं होगा। तो गाइस घर में आई है पुलिस और नौकरानी लेके आई है। आप दोनों ने मुझे मारा। अच्छा इसलिए ले गए? हां मैं सैलरी नहीं दी तो मैं तो लेकर आऊंगी ना। चलो तुम बात चलो, शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए? जो मारा तो सैलरी नहीं,
सब कुछ तेरे पास और तेरी सैलरी नहीं है। शर्मानी चाहिए ऐसी नौकरानी को, तो शर्मानी चाहिए। लेडीज प्लीज तो है नहीं आपके साथ, कोई बात नहीं, लेडीज प्लीज भेज देता हूँ या फिर आप आधे घंटे तक खाने पहुँचो। आपके पति कहाँ है? तो वो ऑफिस गए। आ जा यार, कैमरा चला रहे हो। अरेस्ट करवा दिया नौकरानी ने। चक दिता काम चक। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, बहुत देर से बना रहे भाई, थक गए हम। तो गाइस हमारा गाना आ चुका है, गाने का नाम है कच्ची यारी। जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा गाना देखो। गाना कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।